ग्वालियर नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों ने महापौर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर महापौर का घेराव कर दिया। जल विहार महापौर कार्यालय में नगर परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान काफी संख्या में नगर निगम के विनियमित कर्मचारी महापौर कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए, इसके अलावा उनकी वेतन विसंगतियां भी सुधारी जाएं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन परिषद में आज तक उनकी मांगों पर चर्चा तक नहीं हुई है, इसलिए उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। लिहाजा जैसे ही बैठक खत्म हुई तो महापौर जैसे ही घर वापस जाने लगी, वैसे ही गेट पर मौजूद तमाम कर्मचारी ने उनका रास्ता रोक लिया, उनकी गाड़ी के सामने आ गए। हालांकि महापौर ने उन्हें मदद का आश्वासन दिलाया है। मेरा नाम गिरीश आनंद श्रीवास्तव है। मैं बिल्कुल हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं, हम लोग इन लोगों को पहले भी ज्ञापन विज्ञापन खूब देते रहे हैं और 10 साल 20 साल इतने साल होने के बावजूद भी, और इन लोगों के ऊपर इन लोगों को कोई तरस नहीं आ रहा इन कर्मचारियों के ऊपर कि ये लोग कुछ काम इतना काम करते हैं। कोरोना में तीन लोगों ने सब कुछ किया लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, ठीक है। बहुत से कर्मचारी रिटायरमेंट में हैं, बहुत से कर्मचारी खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनको उस पद पे नियुक्ति भी नहीं दी गई है, इनको आउट ऑफ कोर्स में नियुक्ति दी जा रही है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो ये तो हमारा शोषण, हमारे सब कर्मचारी भाइयों को शोषण हो रहा है पहली बात तो, और ये शोषण हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि आज के दिन ये कुछ ना कुछ हमारे लिए करते तो हम लोगों को भी खुशी होती। महापौर मैडम ने पिछले 25 तारीख को उन्होंने ये कहा कि हमने MIC में पास कर दिया है और परिषद के लिए भेज दिया है, और परिषद में जहाँ तक होगा संभव से संभव अच्छा होगा, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने हम लोगों को 3 तारीख कहने पर नहीं हो रहा, अब ये हम लोगों को ये नहीं मालूम, परिषद नहीं कर रही तो परिषद में कौन कौन मुखिया है, कौन कौन क्या बैठते हैं वो देखें, और वो ही करना चाहते थे और उन्होंने ही कुछ नहीं किया है और ना वो करने को तैयार हैं। 3 तारीख को उन्हें समय दे दिया, 7 तारीख से आचार संहिता लग रही है, 2 तारीख को PM मोदी आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था बनी रहे, और 3 तारीख के बाद से फिर उसके बाद 4 दिन निकल जाएंगे सफाई हो अन्यथा ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को भी। आगे की ये कार्रवाई है कि हम लोग काम बंद हड़ताल करना चाहते हैं, हम कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा और कोई नहीं। धरने पे तो वो विनियमित कर्मचारी को नियमित करने के लिए है, तो MIC से तो हमने प्रस्ताव पास कर दिया है, लेकिन आज परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है, इस कारण से वो एजेंट मुद्दे नहीं आ पाए परिषद में, क्योंकि पहले के जो ठहराव थे उन ठहरावों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, इसलिए आज सभी पार्षदों ने बैठक होने चलने दी। लोगों ने नहीं, अब ठीक है, अपनी मांगों को लेकर ऐसा कुछ नहीं है।